तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अमिगोज अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो कि ऐसा आर्ट को ऐसा करियर लेना चाहते हैं, उस पर और जानना चाहते हैं। जैसे कि कई सारे टाइप की आर्ट्स होती हैं, जैसे प्रिंट मेकिंग हो गए, स्कल्पचर, डिजिटल आर्ट, काफ़ी सारों को डिजिटल आर्ट एनिमेशन में इंटरेस्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए एक कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BFA। तो मेरे एरिया में, छत्तीसगढ़ एरिया में, खैरागढ़ करके एक जगह है जहाँ पे एक इंटरनेशनल संगीत विश्वविद्यालय है, वहाँ पे एज अ BFA का कोर्स भी दिया जाता है। क्योंकि वो कॉलेज एज अ मोस्टली पॉपुलर है उसके म्यूज़िक के लिए, इसी का टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है वो एज अ म्यूज़िक में। अगर आपको BFA करने में इंटरेस्ट है, मतलब और उसके बारे में जानना है, आपको और स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। चाहे अभी आप 12th में, आप अगले साल के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, या चाहे अभी आप तैयारी कर रहे हो और आपको कॉलेज चाहिए, मतलब और जगह चाहिए, तो आप इसमें भी भर सकते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2-4 दिन पहले ही निकला है, तो आपके 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, 15th of July इसकी लास्ट डेट है, आप भर सकते हो अभी। तो ऑल ओवर इंडिया से लोग भर सकते हैं, चाहे वो NRI हो या ऑल ओवर इंडिया में हो। तो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, तो उसकी फ़ीस है 1100 रुपये। आपको एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ी भरनी होगी पहले, और फिर उसके बाद फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म के लिए आपको जस्ट नेम, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, और आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, और एक बिल लगेगा जो कि आपको समय भरना होगा। बिल को भरने के बाद उसकी रिसिप्ट का आपको PDF डालना होगा ताकि आपने भर दिया है इसका प्रूफ आप। तो 15 जुलाई के बाद इसका एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो डेट अनाउंस करेंगे। तो इस कॉलेज में एंट्रेंस पे आपका सबसे पहले तो आपका कंपोजिशन टेस्ट होगा या तो स्टिल लाइफ होगा, मतलब रैंडमली आप वहाँ दिया जाएगा टॉपिक के ऊपर। और दूसरा होगा कि आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ के जो मेन सर होंगे वो आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चन कि आप यहाँ पे क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस आर्ट से रिलेटेड। तो आप तैयारी रखना उस चीज़ के लिए, और आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें कि 1 hour 30 minutes के अंदर आप ड्राइंग बना सकें। क्योंकि जितने भी कॉलेज हैं, हर कॉलेज में एंट्रेंस का यही टाइम है कि आपको 1 hour 30 minutes में यही ड्राइंग बनाना है। तो आप प्रैक्टिस करिए और ट्राई करिए कि आप अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे से दिखा पाएं। जैसे टॉपिक दिया गया है, तो आप बस स्टैंड का टॉपिक दिया गया है, तो आपको बस स्टैंड को अच्छे से वो करना है, प्रेजेंट करना है। क्योंकि बस स्टैंड में क्या क्या होता है, बसेस होती हैं, लोग होते हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो वो सबको आपको ड्रॉ करना है, प्लस कलर भी करना है आपको 1 hour 30 minutes के अंदर। तो आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है और टाइम का भी ध्यान रखना है, प्लस आपको अपने वर्क को एकदम फाइन रखना है, मतलब ज़्यादा एकदम घुसपुछ सा नहीं, मतलब क्लियर सा, ताकि समझ आए कि सर को जो भी चेक करेगा उनको समझ आए कि क्या टॉपिक दर्शाया गया था और कैसे आपने उसको प्रेजेंट किया। तो इंद्रकला विश्वविद्यालय इस कॉलेज का नाम है, ये पढ़ता है खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में। तो जिन लोग को भी, जैसे जो वेस्ट बंगाल से हैं, दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ पर भर सकते हैं क्योंकि काफ़ी पास में है, प्लस यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल की भी सुविधा है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों की। तो कॉलेज के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, और कुछ भी पता लगाना हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हो सकेगा तो मैं रिप्लाई करूँगा जाकर, मुझे खुद को पता होगा तो। और अगर आपको कोई और डाउट हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।